नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से है, जहां नगर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम को लेकर कल रात व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद आज सुबह से ही पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ व्यापारी सड़क पर उतरे। जैसे कि पहले से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि प्रशासन के लिए गरीबों के अतिक्रमण हटाना भले ही आसान हो, पर मेन बाजार से अतिक्रमण हटाना चुनौतीपूर्ण होगा। देखा जाए तो बीते 20 वर्षों से नगर के भीतर राजस्व विभाग और नगर परिषद के जिम्मेदारों ने अतिक्रमण को अपनी काली कमाई का जरिया बना लिया, जिसके लिए अतिक्रमणकारी जिम्मेदार हैं, तो उससे कहीं ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी गुनहगार हैं, जिन्होंने पहले लेन देन कर बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को खड़ा करवाया। ऐसे में बड़ी तादाद में अतिक्रमण हटाने पर विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से नगर के व्यापारियों के लिए पुरजोर विरोध किया जा रहा है, वह टीन टप्पल लगाकर रोजी रोटी चलाने वालों के लिए कोई राजनेता सड़क पर बैठने को तैयार नहीं थे, बल्कि उनके ही करीबी गरीबों को नेस्तनाबूद करवाने में जुटे रहे। स्थिति यह हो गई कि छोटे छोटे धंधे से परिवार का भरण पोषण करने वालों को पूरी तरह से उजाड़ कर उनकी रोजी रोटी छीन ली गई, जो कि यहाँ के बड़े दिग्गज नेताओं के दोहरे चाल चरित्र को उजागर कर रहा है। आज दुकानें बंद रहेंगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी। आज दुकानें बंद रहेंगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नागरिक प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही, कुछ व्यापारियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि यह मऊगंज बाजार है। आज जब बाजार है तभी यहाँ पर SDM कार्यालय है, तभी यहाँ पर नगर पंचायत बनी, तभी यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट बैठा, तभी आने वाले समय में जिला बनेगा। अब समस्या है, जब बाजार ही नहीं रह जाएगी, पूरा उजाड़ दिया जाएगा, एकदम साफ सफाई भर रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उचित नहीं, ये भी उचित नहीं है, ये भी उचित नहीं है। हमारा ये कहना है कि मऊगंज सुंदर होना चाहिए, स्वस्थ होना स्वस्थ भी होना चाहिए और साफ भी होना चाहिए, अच्छा दिखना भी चाहिए। मऊगंज अस्पताल की क्या दुर्दशा है, मैंने सिविल अस्पताल मंजूर कराई थी, वहाँ पे डॉक्टर बैठे ना बैठे इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मऊगंज साफ होना चाहिए। ये मुद्दा जो चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर के आपके तहसील से लेकर के और उधर चाक मोड़ से लेकर के आगे तक बाजार बसी हुई, बाजार रहे। हम कहते हैं कि जाम लगता है, उस हिसाब से 40 फुट या 35 फुट जो भी प्रशासन ने लिया, वहाँ तक उचित तरीके से उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, डिवाइडर बन रहा है उसका सही उपयोग हो। लेकिन अब ये कहिए कि पूरी उजाड़ दी जाए, कहीं हो कि शासकीय है, फला है, ढिका है, उजाड़ने के साथ बसाने का भी काम, होना चाहिए व्यापारियों के लिए, या जो भी बसे हैं, जो भी रह रहे हैं, रहायशी हैं, तो इन्हीं मुद्दों पर ये सब चर्चाएं हैं कि उजाड़ा न जाए। और ये जो भी जनपद की बात आई, तो जनपद में 40 साल 50 साल से लोग बसे, ठीक है वहाँ पे, तो मैं ये नहीं कहता शासकीय जमीन है, लोग उस पर घर बनाए, उस पर प्रशासन दुकानें बनवाए, उनको दुकानें आवंटित करे, जिन लोग इतने दिन से बसे हैं उनसे पगड़ी जमा कराए, और जब पगड़ी जमा करा ले तो उनको हटवा दे, यहाँ की बात, ये बात जायज है। अब लेकिन सीधे हटा दे, फिर इसके बाद कोई चर्चा ना हो और सब बेघर हो जाए, सब दो दो पैसे कमा रहे हैं, यहाँ कोई बड़ा रोजगार थोड़ी है, यहाँ तो बस कोई दुकान खोल लिया, छोटे छोटे दुकान हैं, सारी बातें हैं। हम कहते हैं जो बड़े व्यापारी हैं उनका तो बड़े बड़े घर बने, और जो छोटे छोटे लोग दुकान खोले उनको उजाड़ करके फेंक दिया जाए सिर्फ साफ सफाई दिखने के लिए, ये अच्छी बात नहीं। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे उचित तरीके से दुकानें बने, और जब दुकानें बन जाए उन्हीं को वो दुकानें दे दी जाए, और शासन प्रशासन ने जो भी चूना लगाया, क्या लगाया, 35 फुट 40 फुट, उसका सही तरीके से मापदंड तय कर ले, एक साइड से 40-40 फुट दोनों तरफ साफ सफाई कर ले। दो बार नोटिस दिया गया था कि दुकान नोटिस देना अलग चीज है, हम कहते हैं 40 लिए थे, 45 क्यों करने लगे? फिर हम कहते हैं कि अगर 35 में आपका काम बेहतर तरीके से चल रहा है तो 35 ले, कोई जरूरी कि आपने 40 का चिन्ह लगा दिया तो 40 से 42 कर दो।